हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल मैं हूं निकितीत अग्रवाल आई होप यू आर ऑल गुड सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट माई म्यूचुअल फंड दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट गोल्स के हिसाब से जैसे कि ज़्यादातर लोग जो कि गवर्नमेंट इंप्लॉज हैं वो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट पर्सनस के लिए भी नेशनल पेंशन स्कीम ओपन है लेकिन उसके अंदर नेचुरली कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो एस ने एक अपना खुद का एक रिटायरमेंट फंड बनाया है जो कि म्यूचुअल फंड्स की, की तरह चलता है एंड इसके अंदर पाँच साल का लॉक इन्होंने रखा है और आपकी एज के हिसाब से आप इसका एग्रेसिव प्लान कंजर्वेटिव प्लान या फिर मॉडरेट प्लान को भी परचेज कर सकते हो एंड उसके अंदर आप लम्पसम इन्वेस्टमेंट या एस आई पी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपके पैसे को जो है इक्विटी के अंदर भी निवेश किया जाएगा और कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी निवेश किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्लान दैट यू हैव चोजन एंड ये एक किस्म का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपका होता है सो टूडे विल बी टॉकिंग अबाउट द एस आई रिटायरमेंट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ तो हम एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे अगर इन टर्म्स की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज टर्म्स एग्रेसिव मीन्स जैसे कि आपका मेजोरिटी शेयर जो है वो इक्विटी के अंदर इन किया जाएगा फंड्स का फंडस्टेड ऑफ कन्जर्वेटिव uh, या फिर मॉडरेट जिसके अंदर आपका ज़्यादातर पोर्शन या 50 परसेंट पोर्शन आप कह लो कि डेट में जाएगा 50 परसेंट इक्विटी में जाएगा एंड सो ऑन डायरेक्ट का मतलब क्योंकि ये डायरेक्टली आप एम सी से या फिर डायरेक्टली आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ले रहे हो तो दैट इज वाई इट इज अ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ मीन्स की जो भी आपका इसके अंदर बोनसेस होंगे यानी कि डिविडेंड्स होंगे वो आपके री हो जाएंगे आपके इसी म्यूचुअल फंड के अंदर मतलब आपके एन की जो वैल्यू होती है यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी सो टूडे विल बी टेकिंग लुक एट द एग्रेसिव प्लान सो so, जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड और पाँच साल का लॉक इन इसके अंदर होता है अगर आप इसके अंदर जाते हो तो एस भी आप करा सकते हो लमसम भी आप करा सकते हो रिटर्न की बात करें तो थ्री ईयर रिटर्न इसकी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नाइनटीन पॉइंट फाइव सेवन रिटर्न है विच इज़ वेरी गुड वन ईयर रिटर्न की बात करें तो थर्टी परसेंट की रिटर्न है अगेन वेरी गुड एंड ये जो लास्ट का एक डेढ़ परसेंट का आपको डाउनफॉल दिख रहा है वो अभी जो रिसेंटली ईरान और इसराइल के वॉर के बाद जो करेक्शन आया है मार्केट में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है विच वी हैव ऑलरेडी एनालाइज इन सेपरेट वीडियोज राइट अगर सिक्स मंथ्स रिटर्न की बात करें तो स्टिल फोर्टीन एंड हाफ परसेंट अगेन अ वेरी गुड रिटर्न एंड वन मंथ की अगर बात करें तो ये नेगेटिव रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलती है अगर एन की बात करें तो एज़ ऑफ़ टुडे इसका जो एन है वो 21.77 पॉइंट है यानी कि आपका एक अगर आप शेयर की तरह देखो तो एक शेयर आप लगा लो कि इक्कीस रुपये का है तो इस तरीके से एन कैलकुलेट होता है एन के अंदर से आपके एक्सपेंस वगैरह सब कुछ माइनस हो चुके होते हैं एस अमाउंट की अगर बात करें तो मिनिमम आप पाँच सौ महीने की एस भी कराते हैं तो आप इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं जो कि आपके रिटायरमेंट को जो है फोकस करता है प्लस फाइव ईयर्स का लॉक इन का मतलब ये है कि आपको फाइव ईयर्स के बाद एक फ्लेक्सीबिलिटी भी रहती है कि इन केस आपको पैसे की जरूरत है या देर इज सम इन द फैमिली और वट इट इज सो यू कैन विद्रॉ दैट मनी ऑल्सो बिकॉज एन पी एस के अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है एन पी एस के अंदर वंस यू हैव डिपॉजिटेड द मनी सिक्सट्टी ईयर्स से पहले आप उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते और उसको अगर विड्रॉ करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं अगर आप जाते भी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में तो आर वेरी स्ट्रीजेंट यहाँ पे फाइव ईयरस के बाद आपका लॉक इन खुल जाता है तो आपको बहुत ईजिली आप चाहे आपने कुछ और भी करना हो तब भी आप इस फंड को क्लोज कर सकते हो फंड साइज की बात करें तो इसका जो टोटल ए यू एम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो है सत्ताईस सौ तिरसठ करोड़ इट्स अ वेरी गुड अमाउंट एंड बहुत ज्यादा भी नहीं है कि फंड मैनेजर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें और बहुत कम भी नहीं है कि आपको किसी भी तरह का रिस्क इसमें महसूस हो अदरवाइज ऑल्सो एसबीआई का नाम है तो नेचुरली उससे एक आप कह सकते हो कि पॉजिटिविटी पर्सन के पास आई जाती है अब अगर हम एस आई पी की कैलकुलेशन करके देखें तो पाँच हज़ार की अगर आप एस आई पी कराते हो और एक साल के लिए आप कराते हो तो आपका चौदह परसेंट का रिटर्न जैसा हमने उप देखा था तो इसका मतलब हो गया आपका अड़सठ हज़ार आठ सौ बानवे रुपये हो गए तो थ्री इयर्स का ही इसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है क्योंकि अभी इस फंड को लॉन्च हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सो थ्री ईयर्स के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन दिया फाइव थाउजेंड की एस आई पी आपकी फोर्टी थ्री परसेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से लगभग ढाई लाख रुपये बनता है इट इस अगेन वेरी गुड अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें कि आप एक बार में एक लाख रुपए लगाते हो तो थ्री इयर्स के अंदर वो आपका सेवेंटी वन परसेंट का ग्रोथ देता और ऑलमोस्ट एक लाख सत्तर हज़ार रुपये आपके बन जाते हैं होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स के अंदर इसके पास सारी ही अच्छी होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है एच डी एफ सी इसके अंदर है जिसका 7.35 पॉइंट थ्री फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है रिलायंस हो गया उसके पास सिक्स पॉइंट फोर टू आई सी आई बैंक अगेन फाइनेंशियल सेक्टर का फाइव पॉइंट एट वन फिर आई टी सेक्टर की कंपनी आ गई इन्फोसिस जिसका फाइव पॉइंट फोर सेवन है फिर ऑटोमोबाइल में मारुति है कंस्ट्रक्शन में लासन टापो है टी सी एस अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया एस बी आई अगेन खुद का बैंकिंग सेक्टर हो गया अल्ट्राटेक कजारिया एंड सो ऑन अगर हम स्प्लिट की बात करें तो इक्विटी इसके अंदर 97.2 परसेंट है क्योंकि ये एक एग्रेसिव प्लान है अगर यही आप इसका मॉडरेट वर्जन लेते हो या फिर अगर आप इसका कंजर्वेटिव वर्जन लेते हो तो उसके अंदर इक्विटी कम होता रहेगा अगर आपकी एज 30 बिलो है तो यू कैन गो फॉर एग्रेसिव अगर आपकी एज थर्टी प्लस है तो यू कैन गो इन मॉडरेट एंड अगर आपकी एज फिफ्टी प्लस है तो यू कैन गो इन टू कंजर्वेटिव क्योंकि आप उतना ही कम रिस्क अपने फंड के साथ लेना चाहोगे तो उसके बाद बाकी कैश और आपका डेट पोर्शन हो गया अगर हम इसकी इक्विटी होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि मैंने आपको कहा सबसे ज़्यादा पैसा इसका फाइनेंशियल सेक्टर में लगा हुआ है जिसमें हमने एच बैंक देखा एस बैंक देखा आई बैंक देखा तो लगभग छब्बीस इसका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा इनफोसिस है टी uh, सी है, है तो ग्यारह बारह परसेंट है फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर साढ़े दस परसेंट है ऑटोमोबाइल के अंदर भी दस परसेंट है उसके बाद कैपिटल गुड्स एनर्जी मेटल्स इन सब के अंदर छः सात आठ परसेंट है सो एवरी सेक्टर हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ इन दिस फंड और सारी की सारी बड़ी कंपनीज को इसमें रखा गया है सो दैट दे जितनी बड़ी कंपनी होगी जितनी आच कंपनी होगी उतना ही उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी ज्यादा होगा और आपका एज अ इन्वेस्टर रिस्क कम होगा और आपको डिविडेंड या रेगुलर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी सो so, इसी पर्पस ऑफ माइंड के साथ इस प्लान को बनाया गया है जैसे कि एनपीएस के अंदर भी इसी पर्पस से ही बनाया गया है एनपीएस भी जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमने देखा था कि एनपीएस के अंदर भी आपको तीन प्लान पूछे जाते हैं कि आपकी एज के हिसाब से उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करते रहेंगे एग्रेसिव मॉडरेट और कॉन्जर्वेटिव में तो सेम वे यहाँ पे एस पी ने उसी बेसिस पे आप कह सकते हो कि प्लान बनाया है एंड इट स्पेशली सूट्स दोज पीपल जो कि एनपीएस के एक स्ट्रिंजेंट बिहेवियर में नहीं जाना चाहते प्लस म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स को भी उठाना चाहते हैं प्लस एक हायर लॉक इन पीरियड की तरफ नहीं जाना चाहते बिकॉज इफ यू आर मे बी थर्टी और ट्वेंटी फाइव आप अगर आ, अपना फंड्स को पैंतीस साल के लिए ब्लॉक कर लेते हो और आप उसके बाद भी आपको लमसम विड्रॉवल नहीं मिलेगा क्योंकि लमसम आपको सिर्फ फोर्टी परसेंट मिलेगा बाकी का आपको एनिटी बनवाना ही पड़ेगा तो मे बी परहैप्स यू आर सेविंग सम मनी फॉर सम प्रॉपर्टी एंड आप वो चीज नहीं ले पा रहे हो तो आपके ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं वो डिफीट कर रहा है तो यहाँ पे आपको फुल फ्रीडम रहेगी पांच साल के बाद आप चाहे सारा का सारा कॉर्पस निकाल के कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या कोई और

हंड्रेड रुपीज़ मिनिमम अमाउंट है जो आपको हर महीने इसमें पे करना पड़ेगा उसके बाद आपको कुछ रिटर्न एंड रैंकिंग्स के अंदर दिया हुआ है कि आप अलग अलग कैटेगरी एवरेज के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहे हो बट बिकॉज इट्स अ रिटायरमेंट फंड एंड बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ फाइव ईयर लॉक इन पीरियड आई थिंक इट शुड इट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड क्योंकि अगेन uh, कोई भी ब्रोकर होगा वो अपनी साइड पर उस तरह का डाटा लगेगा जो कि आपको अट्रैक्टिव लगे बट आपको अगर एक मोटे तौर पर देखना हो तो यू कैन कंपेयर इट विद एन पी एस बिकॉज इट विल बी द मोस्ट फेयर कम्पेरिजन एंड एक्सेप्ट द लॉक इन पीरियड यू विल फाइंड दैट मजारिटी ऑफ द थिंग्स आर सेम सो दिस वॉज इट फॉर द एस बी आई बेनिफिट रिटायरमेंट फंड अग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट्स हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी और म्यूचुअल फंड का आप रिव्यू uh, करवाना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं एंड वेदर यू विल बी ऑप्टिंग फॉर एन पी एस और वेदर यू विल भी ऑप्टिंग फॉर दिस रिटायरमेंट फंड वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे